अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने चैनल पे एक न्यू रेसिपी देने जा रही हूँ। आज बनाने जा रही हूँ लहसुन का अचार, जो बहुत अच्छा होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है और फटाफट से बन जाता है 10 मिनट के अंदर ही। और इसके लिए ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं होती। और तो ये देखिए लहसुन लिया है और ये खाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसे आप बना के रख सकते हैं और इसे चटनी मतलब खिचड़ी के साथ या पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो उसके लिए मैंने 1 कप लहसुन ले लिया है और उसे मैंने अच्छे से छील लिया है, छिलके इसके ऊपर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फिर उसे वॉश करके मैंने अच्छे से जो टॉवल होती है उसके ऊपर मैंने इसका सारा पानी सोख लिया है। अगर आपके लहसुन में नमी होगी तो आपका अचार बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल सूखा मैंने इसे कर लिया है। अगर आपको इतना ड्राई चाहिए ये, तो आप रात में छील के इसे वॉश करके किसी छन्नी में फैला के रख दें, तो अगले दिन आपको ये इतना सूखा हुआ सा मिलेगा। तो ये लहसुन है, इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 टेबल स्पून का करीब ये है राई, ये पीली वाली राई है, और ये ब्लैक वाली है 1/2 टेबल स्पून के करीब। 1 टेबल स्पून के करीब सरसों के दाने हैं, ये जो बोलते हैं ब्लैक वाली सरसों वो है 1/2 टेबल स्पून सौंफ, और 1/2 से 1/2 टेबल स्पून दाना मेथी। ये दाना मेथी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहें तो आप नहीं डालें। तो और इसके अंदर और भी सूखे मसाले जाएंगे वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले इस मसाले को हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक बर्तन ले लेंगे हम, फ्राई पैन है ये, इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले सारे जो खड़े मसाले हैं हमारे साबुत मसाले, उसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनना हमें। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। उससे क्या होता है इनके अंदर की जो सीलन होती है वो सब निकल जाती है और हमारा अचार ज़्यादा दिन तक ठीक रहता है। मेरे चैनल पे मिर्ची के अचार की रेसिपी भी डाली हुई है, आम के अचार की भी, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए बस अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, ये मेरी बिल्कुल नमी निकल चुकी है। अब इसे मैं क्या करूँगी, दरदरा सा कूट लूँगी। अगर आप मिक्सर में कर रहे हैं तो इसे फ़ौरन से मतलब एक ही चक्कर घुमा के फ़ौरन से निकाल लें आप। ये देखिए मैंने सारे मसाले निकाल लिए हैं। अगर आप मिक्सी में कर रहे हैं तो फ़ौरन से इसे निकाल लें आप सारे मसालों को, एक ही चक्कर पूरा भी ना घुमाएं। या आप उसमें कर रहे हैं सिलबट्टे पर तो बस ज़रा सा हल्के से हाथ से कर लें। तो चलिए इसे आपको मैं दरदरा कूट के दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने मसाला कूट लिया है दरदरा सा, देख सकते हैं बिल्कुल बारीक नहीं करा है मैंने इसे। तो चलें अब आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, इसमें सरसों का तेल डलता है और तेल में से खूब धुआं उठ रहा है। तो ये देखिए फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। अब इसे तेल को थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि इतने गर्म तेल में हम मसाले डालेंगे तो वो जल जाएंगे, इसलिए थोड़ा ठंडा करके हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। और इसके अंदर इस टाइम मसाले डालेंगे तो बिल्कुल मतलब खुशबू उड़ जाएगी मसालों की। और इसे गर्म करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम ये जो कड़वा तेल होता है सरसों का तेल, इसमें डायरेक्टली मसाले डाल देते तो उसमें स्मेल सी आती है, इसलिए हमने पहले से इसकी हीट उड़ा दी, इसे तेज़ गर्म करा है हमने, अब इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे। तो ये देखिए सूखे मसालों में जाएगा 1/2 टेबल 1/2 टीस्पून के करीब ये है हींग, 1/2 टीस्पून के करीब है लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून के हाफ से 1/2 टीस्पून है हल्दी, और नमक है 1 टेबल स्पून, क्योंकि नमक अगर कम रहेगा तो अचार में अच्छा नहीं लगेगा। 1 टीस्पून के करीब ही नमक है, फुल भर के नहीं, बिल्कुल मीडियम भर के। जैसे ये स्पून है इसे हम फुल भर के हम नमक नहीं लिया, हमने मीडियम लिया है पर पूरा लिया है। तो ये सूखे मसाले जाएंगे इसके अंदर और तेल हमारा ठंडा होने के लिए रखा है। तो ये देखिए तेल थोड़ा ना हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर मैं डालूंगी हींग, और इसके अंदर अब मैं डालूंगी कूटा हुआ मसाला। हल्की आंच पर जब ये भुनेगा तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसके अंदर। और ये जो हमने पिसा हुआ मसाला दिखाया था ये, अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को स्लो ही रखना है हमें। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इस टाइम इसमें। ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, कि हम जैसे कि खाना भूनते हैं और तेल छोड़ने तक हमें इंतज़ार होता है कि जब तक हम भूनेंगे, वैसे नहीं भूनना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन, बस, और ये हमारा अचार अब तैयार है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
बिल्कुल। उसके बाद लास्ट इसके अंदर क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें अचार हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीब विनेगर डालूंगी। इसके अंदर वाइट वाला विनेगर लेंगे आप। गरम अचार में आप विनेगर को ऐड ना करें, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद आप विनेगर डाल के और इस तरीके से आप मिला दें। आप देख सकते हैं मसाला और लहसुन बराबर का लग रहा है, तो उस टाइम लहसुन थोड़ा कम लग रहा था, मसाला ज़्यादा था। तो बस अभी से आप किसी एयर टाइप कंटेनर में बंद करके ना रखें, मतलब कोई ऐसा कांच की बोतल ले लें, पहले उसे अच्छे से वॉश करके उसे भी सुखा लें धूप में रख के, ताकि उसके अंदर गीलापन ना हो। तो मेरे पास बोतल नहीं थी तो मैंने ऐसे ये इसी बाउल में करके रखा है। इसके ऊपर अब मैं एक ये मथलन क्लॉक है, इसे मैं कवर करके और इसे 2 दिन तक मैं धूप में रखूँगी। इसे मतलब जब जिस टाइम जहाँ आपके धूप आती हो इसे रख दें, और शाम के टाइम इसे आप उठा के रख दें, और इसके अंदर कोई गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए। तो इससे आपका अचार 3 से 4 महीने के लिए बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखिए 2 दिन के बाद हमारा अचार बनके फटाफट से आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं लहसुन के अचार के। तो बस यही थी आज की छोटी सी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।